किया था जावट की। अब ये जावट का दूसरा प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं। जावट का मतलब क्या बताया था? जा मतलब आलता, बट मतलब बट के नीचे श्री कृष्ण ने राधा रानी के चरण आलता को अपने हृदय में लगाया था, इसलिए उस गांव का नाम जावट। जा मतलब क्या है? आलता। इसलिए याग गांव या जाप गांव कहते हैं उसको, उसी का दूसरा जावट भी कहते हैं। वट वृक्ष के नीचे कृष्ण ने क्या किया? श्रीमती राधा रानी के चरणालता को अपने हृदय में लगाया था, इसलिए इस गांव का नाम जावट है। इतना देखो कितना आवाज आ रही है पानी का। उधर भी तो धो सकते हैं, उस तरफ नहीं है नल का। अब एक दूसरा प्रसंग। एक समय माता यशोदा भंडार घर में एक बड़े से सिंदूक में बहुत सारे गहना अलंकार वस्त्र भर रही थी। कपड़ा बंद कर दो दरवाजा। और क्या? बहुत सारा गहना कपड़ा अलंकार भर रही थी, सुंदर सुंदर गहना। इतने में पीछे से कृष्ण आकर के मैया यशोदा के गला पकड़ लिया। कैसे बच्चा पकड़ता है? कैसे? देखा गला पकड़ते ना इसे बंदर के जैसे, ऐसे कृष्ण पीछे से आकर के मैया यशोदा का गला पकड़ के कहने लगे, मैया आज क्या कर रही हो, इतना सब अलंकार वस्त्र सजा रही हो, मेरा जन्मदिन है क्या? ऐसे ऐसे कहा, मेरे लिए सजा रही हो? मैया खिसियाते हुए कहने लगी, थोड़ा दूर हटो तो, दूर हटो, जाओ खेलो, हमारे हमें क्यों काम करने दो, मुझे परेशान मत करो। कृष्ण थोड़ा दुखी होके मुंह फुला के चले गए और झांक झांक के देख रहे क्या कर रही है मैया। और जब झांक झांक के देखा, सुंदर सुंदर लहंगा सुंदर गहने सब सिंदूक में रख रही है, तो फिर समझ गए कृष्ण ये सब जावट में भेजेगा राधा रानी के पास। ऐसा समझ गए, क्योंकि जटिला लालची है। क्या हुआ फिर? क्योंकि जटिला क्या है? लालची है। और लालची को थोड़ा सा सामान नहीं देने से राधा रानी को आने नहीं देंगे रसोई बनाने। राधा रानी रोज रसोई बनाने आते हैं ना। कहाँ? इधर बैठो सामने। कहाँ आते हैं? नंदगांव में रोज आते हैं, तो इसलिए बीच बीच में यशोदा मैया उपहार देती रहती कि राधा रानी के लिए कोई भी बाधा ना आए आने के लिए। तो सुबल सखा के साथ मिल के कृष्ण ने क्या किया? सोचा जब मैया इधर उधर चली जाएगी, काम घर में व्यस्त हो जाएगी, तब मैं जाऊँ। और जब मैया सारा सामान भर के इधर उधर काम में लग गई, तब कृष्ण और सखा के साथ आया और ताला खोला। ताला खोल के सारा गहना को निकाल दिया और निकल के खुद बक्से के अंदर घुस गया और मधुमंगल को कहा ताला लगा दो इसे, और ताला लगा दिया बाहर से और बक्से में। इतने में यशोदा मैया सोचने लगी, इतना बहुमूल्य रत्न है, ऐसे किसी के हाथ में तो दूंगी नहीं। अभिमन्यु को बुलाया और अभिमन्यु के बक्सा को अभिमन्यु के सर पे ला दिया। और अभिमन्यु सर पे बक्सा को बड़ी मुश्किल से लेके गया, कृष्ण बेटा उसके अंदर, और बड़े मुश्किल से लेके गया। और लेके जाके ना जटिला से पूछा, माँ ये बहुत सारा ये दिया है गहना, क्या कहाँ रखते हैं?
बहुत भारी है, बहुत दिया लगता है, ऐसा कह रहे। तो बोलते हैं देखो ये तो बहू के लिए बहुमूल्य रत्न दिया है, तो ऐसा करो बहू के कमरे में रख। बहू कौन? श्रीमती राधा रानी। और बहू के कमरे में रख दो। और जा कर के उन्होंने अपने उनके कमरे में रख दिया। रख के जब चले गए, जब ललिता विशाखा इत्यादि आ करके बड़े उत्सुकता से आई, पता नहीं यशोदा मैया ने क्या भेजा, और उत्सुकता से जब ताला खोला तो क्या देखा? कृष्ण को देखा। तब सखियां सब हंसने लगी और इसी प्रकार राधा कृष्ण का मिलन हुआ। तो ये सब जो लीला है जावट के महल में, मतलब राधा रानी के महल में हुआ, ससुराल में। एक तीसरा प्रसंग है, इसी समय श्रीमती राधिका मान करके बैठ गई और कृष्ण से मिले नहीं कुछ दिन तक, नाराज हो गई। सखियां उनको विविध प्रकार के मान परित्याग करने के लिए समझा रही थी, किंतु राधा रानी बार बार उनका मान और भी बढ़ जाता, दुर्जय मान हो गया। इधर कृष्ण राधिका विरह में अत्यंत कातर हो उठे। उनको अत्यंत कातर देखकर सुबल सका। अब कृष्ण राधा रानी के विरह में अत्यंत कातर हो गया और उनको कातर देख के सुबल सका कहता है, चिंता क्यों कर रहे हो, मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं व्यवस्था करता हूँ। तो क्या करेगा? सुबल सखा जो है रूप रंग चाल ढाल और बोली चाली में बिल्कुल राधा रानी के जैसा, समझ में आया? क्या समझा? रूप रंग चाल ढाल बोली चाली सब राधा रानी के जैसा है सुबल सखा। तो अब ये क्या किया? सुबल सखा कहते चिंता मत करो, मैं कुछ व्यवस्था करता। सुबल सखा जटिला गोबर ताप रही थी और इतने में सुबल सखा वहीं पहुंच गया खेड़े में। और वहाँ पहुँच के ऐसा ऐसा घूम रहा है, बोलते तो क्यों रही? तू तो वो लंपट कृष्ण का सखा है ना, दुष्ट के, भाग यहाँ से, भाग, यहाँ क्यों आया हमारे यहाँ, जल्दी जा, निकल यहाँ से, निकल, ऐसे कहने लगे। बोलते मैया हमारा एक बछड़ा खो गया है और यहीं आया है, मुझे ऐसा लगता है, तो मैं उसको देखो, बिल्कुल यहाँ घुसना, निकल निकल यहाँ से, निकल, तू वो लंपट व्यक्ति का दोस्त है, निकल यहाँ से, ऐसा कहा। बोलते मैया बहुत अनुनय विनय करने लगे, अनुरोध करने लगे, हाथ जोड़ने लगे कि हमको थोड़ा सा अपने खेड़क में तो जाने दो, जरूर तुम्हारे खेड़क में है हमारे बछड़ा, को जाने दो, ऐसा कहा। बहुत कहने पर तब जटिला कहती हैं, चल जा कर के देख ले अपना बछड़ा हो तो लेके जा, यहाँ जल्दी जा, निकल के, ऐसा कहा। इतने में खेड़क में जा कर के वो कहाँ चला गया? राधा रानी के महल में चला। और जा कर के राधा रानी के पास जाके राधा रानी को कहा, तुम जाओ, कृष्ण बहुत विरह में आतुर हो रहा है, जैसे अभी प्राण छूटे कि कब छूटे ऐसा हाल हो रहा है, तुम जाओ। तो मैं कैसे जाऊंगी? सुबल सखा ने अपना कपड़ा राधा रानी को पहना दिया और राधा रानी का कपड़ा खुद पहन लिया और पहन के राधा रानी को सुंदर बाल जो है उसका जटा बांध दिया। क्या बांध दिया? जटा बांध देते हैं ना शिव जी की जैसे जटा, ऐसे बांध के सुंदर सजा के और मधुमंगल के हाथ में, मतलब राधा रानी जो मधुमंगल बने हैं उनके हाथ में एक बच्चिया, छोटा सा बच्चिया दे, और बोलते तुम जाओ मैं यहाँ रहता हूँ। राधा रानी जा रही हैं उनके सामने से, जटिला को भान भी नहीं हुआ कि ये, संदेह भी नहीं हुआ कि ये राधा रानी, उन्हें सोचा सुबल सखा है। बोलते क्यों, बच्चिया मिल गया? बोलते हाँ हाँ, सुबल सखा के आवाज में कहा, हाँ हाँ मिल गया, मैया मिल गया, मैं जा रहा हूँ। बोलते हाँ हाँ जल्दी निकल यहाँ से, जल्दी जा, ऐसा कहा। इतने में यहाँ पे कृष्ण विरह में आतुर
जब देखा सुबल सखा अकेला आ रहा है, बोलते क्यों राधा रानी नहीं आई। हाँ तो राधा रानी कुछ बोली नहीं जो सुबल सखा रूप में है। तो फिर कृष्ण बहुत दुखी हो गया और विरह में आतुर हो गया। जब कृष्ण का ऐसा दशा देखा तो राधा रानी से रहा नहीं। तब राधा रानी बच्चा को उतार के कृष्ण के पास आए। तब राधा कृष्ण समझ गए, कृष्ण समझ गए, और राधा रानी का स्पर्श पाके कृष्ण आनंदित प्रफुल्लित हो गए और कृष्ण को पता चल गया ये श्रीमती राधा रानी है। और फिर दोनों का इसी प्रकार मिलन हुआ। तो ये सब जो लीला है ये सब जाबट में संपन्न होता है। जाबट में बहुत ज़्यादा लीला होता है, जाबट में बहुत ज़्यादा लीला। और क्या है चतुर्थ प्रसंग, दूसरा प्रसंग सुनाया, तीसरा प्रसंग सुनाया, अब चतुर्थ प्रसंग है। एक समय श्री कृष्ण राधिका से मिलने के लिए अत्यंत उत्कंठित होकर के विह्वल हो गए। कृष्ण राधा रानी से मिलने के लिए अत्यंत उत्कंठित विह्वल हो गए और होके जाबट पहुंचकर जटिला के हवेली में पहुंच गए। हवेली के खेड़क में बेर के नीचे, खेड़क के पास एक बेर का पेड़ है और बेर के नीचे राधिका जी से मिलने के लिए प्रतीक्षा करने लगे। और रात भर मिलने का बहुत बहाना ढूंढा, पर जैसे राधा रानी जैसे आते ना ऐसे खोलने के लिए दरवाजा, इतने में जटिला उठ जाती और क्या कहती, हाँ को ए रे ऐसे कहती और चिल्ला उठती बड़े जोर से, कौन है रे करके चिल्ला। इतने में राधा रानी डर जाती और छुप जाती। फिर और कृष्ण भी इतने में छुप जाते। और कृष्ण आकर के कोयल की आवाज़ में कुहू कुहू कर रहा है, हाँ पेड़ के पेड़ के नीचे बैठ के कुहू कुहू। सखियाँ और राधा रानी समझ गई ये कृष्ण है और कोई कुहू कुहू नहीं है, ये कृष्ण ही कुहू कुहू कर रहा है। तो ऐसे कृष्ण आते इतने में जटिला जाग जाती और कहती कौन है रे ऐसे कहती। हाँ एक सखी अपनी प्रिय सखी को बीती रात की बात बता रहे हैं। ये जो कथा है ये कथा कहाँ लिख रही है, ये उज्जल नीलमणि ग्रंथ में लिखा है, रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है। ये बीती रात की कथा एक सखी दूसरे सखी को बता, मतलब श्रीमती राधा रानी मानो किसी को बता रहे हैं, किसी सखी को बता रहे कि परिधान पूर्ण चरित्र का वर्णन कर रही है। पिछली रात को कृष्ण श्रीमती राधिका के आंगन में बेर के नीचे बैठे हैं और बार बार आने का चेष्टा किया पर आ नहीं सके। वहीं बेर के पेड़ में रात बीत गई और प्रातःकाल फिर कृष्ण वापस चला गया दुखी होकर, नहीं समझे। तो इसी प्रकार ये सब लीला कहाँ संपन्न हुआ, जावट में। जटिला की हवेली गांव के पश्चिम भाग में ऊंचे टीले के ऊपर जटिला हवेली है। इसमें जटिला कुटिला और अभिमन्यु का मूर्ति भी है। इस हवेली में क्या है, जटिला कुटिला अभिमन्यु का मूर्ति है। अब यहाँ पर वर्तमान समय में श्री राधा कांत जी का भी मूर्ति विग्रह है जिसमें राधा कृष्ण का दर्शन है। सखियाँ यहीं पर जटिला कुटिला अभिमन्यु को वंचित कर श्रीमती राधा कृष्ण को मिलन कराती थी। सखियाँ क्या करती थी, जटिला कुटिला का वंचित करके राधा कृष्ण का मिलन कराती इसी गांव में। हिड़क या बत्सखोर, खिड़क मतलब जो जिस खिड़क में मधुमंगल का बछड़ा
खो गया था वो खिड़क है उनके। खिड़क किसको कहते हैं? हाँ, घेरा को कहते हैं। घेर मतलब हमारे घेरा में चला जा, घेर में चला जा, नहीं घेर को खेड़ा कहते हैं। तो खेड़ा में यही है, तो खेड़ा खिड़क या बत्सखोर। बत्सखोर मतलब क्या होता है? गाय बछड़े को बांधने वाला ढेर, समझ पाया? ये खेड़क बत्सखोर, इस ना ये नाम अभी भी खेड़क बत्सखोर के नाम से प्रसिद्ध है जहां ये लीला हुआ था। बेरिया, जिस खेड़क में बेर का पेड़ था, जहां पे कृष्ण कुहू कुहू कर रहे थे, वो बेरिया भी इसी जगह में है। पानी हाथी कुंड, बेरिया के उत्तर पास, उत्तर में पास में ही पानी हाथी कुंड स्थित है, जहां गोपियां पानी भरने आती थी तथा राधा कृष्ण का यहाँ मिलन भी होता था पानी हाथी कुंड। मुखारा मार्ग, जिस मुखारा कौन है? मैंने बताया मुखारा कौन है? राधा रानी की नानी है, बताया नहीं? कैसा आदमी मुखारा राधा रानी की नानी है। मुखारा मार्ग, इसी मार्ग से रोज राधा रानी की नानी आती थी और आकर के राधा रानी से मिल के राधा रानी को बहुत सारा आशीर्वाद दे के जाती थी, इसलिए इसका नाम मुखारा मार्ग है। कुटिला दूषण स्थान, कुटिला दूषण स्थान, कुटिला की जटिला की कन्या कुटिला अपने कुटिल स्वभाव के कारण सदैव श्रीमती राधिका पर नाना प्रकार के आक्षेप करती थी, झूठ मूठ राधा रानी पर आरोप लगाती थी, ऐसा करती थी। कुटिल है ना, कुटुणी, तो ऐसे करती थी झूठ मूठ की राधा रानी के ऊपर लांछन लगा। एक बार क्या हुआ, राधा कृष्ण मिल रहे थे राधा रानी के कक्ष में, इतने में जटिला ने देख लिया और देख के दरवाजा बाहर से बंद कर दिया कुंडा, और कुंडा बंद करके अपने भाई को, छोटे भाई को दूषण को, उसके छोटे भाई का नाम क्या है? दूषण, अभिमन्यु के छोटे भाई, और सबको बुलाया, जटिला को भी बुलाया, सबको बुला लिया, इकट्ठा कर लिया, आ जाओ आ जाओ, यहाँ आ गया, देखो कैसे फंसा दिया मैंने, दोनों को बंद कर दिया, देखो रंगे हाथ पकड़ा ऐसा। और जब दरवाजा खोला तो क्या देखा? राधा रानी देवी काली का पूजा कर रहा, देवी काली ऐसे खड़ी है, राधा रानी उनका पूजा कर रही है। देवी काली कौन? कृष्ण ही काली बन गए, जीव निकाल के करके काली बन के कड़े कड़ा हो गया, समझ में आया? दो हाथ और लगा लिया पीछे से, लगा के ऐसे खड़ा हो गया काली बन। घर वाले कुल देवी है उनके, कुल देवी काली कुल देवी, और फिर जब देखा जीव निकाल के ऐसे काली खड़ी है और राधा रानी इतना सुंदर पूजा कर रही है, तब सब लोग जटी कुटिला को डांटा, बोलते अपने कुटुनी स्वभाव कभी निकालेगी नहीं, शर्म नहीं आते दूसरे के ऊपर बिना मतलब में लांछन लगाती रहती, बेशर्म कहीं की, ऐसे ऐसे ऊपर से उसी को ही डांटा। जब डांटा उसका मुंह नीचा हो गया, बोलते हमने तो देखा था कृष्ण था, ये काली कहाँ से आया? ऐसे कहने लगी मनी मन, कृष्ण कहाँ चला ऐसा कहा, नहीं समझे? ये सब लीला यहीं पे हुआ। अब राधिका गमन पथ, राधा रानी इसी गमन से, इसी रास्ते से रोज सूर्य पूजा करने जाती थी, सूर्य पूजा करने के लिए जाती थी। मार्ग के पास में ही कदम कानन, यहाँ श्री कृष्ण बड़ी उत्सुकता से आती जाती हुई राधा रानी को, राधा रानी का दर्शन करते थे।
भागती हुई उनके वस्त्रांचल को खींचते थे। कभी कभी राधा रानी भागती थी तो उनके आंचल पकड़ के खींचते थे। कौन? कृष्ण छेड़ते, छेड़खानी लाइन मारते थे, ऐसा बचपन में करते हैं, समझा? तो ऐसे ऐसे लीला करते थे कृष्ण। और पीवन कुंड, कदम कानन के बीच में पीवन कुंड है। यहाँ श्रीमती राधा रानी को या राधा रानी कृष्ण का मधुपान किया, इसलिए स्थान का नाम पीवन कुंड है। किया ना, इसलिए इसका नाम पीवन कुंड है। कृष्ण कुंड, सघन वट वृक्षों से परिवेष्टित यह स्थान राधा कृष्ण युगल के नाना प्रकार के जल क्रीड़ा विलास अंग में छिपाकर अवस्थित यह कुंड गांव के दक्षिण में है। जाबट गांव के दक्षिण में यहाँ बहुत सारा लीला कृष्ण किया है। एक समय इस स्थान वट वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण सहेलियों के साथ श्रीमती राधिका के संग में झूला झूलने के लिए पधारे। सखियां कुछ समय विलंब से पहुंची। रसी कृष्ण को कुछ कौतिक झूला सखियों की प्रतीक्षा किए बिना आज स्वयं ही वृक्ष में झूला डाल करके झूलने लगे। झूला डाल दिया और श्रीमती राधा जी को झूले पर पधारने के लिए निवेदन किया, किंतु झूला कुछ ऊंचा होने के कारण राधा रानी बैठ नहीं पाई। सखियों को आने में विलंब हो गया, कृष्ण पहले से आ गया था। कृष्ण क्या किया, सखियों की प्रतीक्षा नहीं। अब सखियां आती, झूला लगाती, फिर झूला बिछाती, फिर जाके राधा कृष्ण झूलते। अब कृष्ण ने खुद झूला डाल करके राधा रानी को कहा बैठो, झूला डाल दिया तुम बैठो। और जैसे राधा रानी बैठने गई और राधा रानी बहुत ऊंचा झूला है, राधा रानी चढ़ ही नहीं पा रही थी। तो कृष्ण देखा राधा रानी चढ़ नहीं पा रही, तो कृष्ण ऐसे पकड़ के बिठा दिया, बिठा के और फिर खुद भी बैठ के झूलने लगे। सखियां ये सब लीला देख करके बहुत खिलखिला के हंसने लगी, आनंद लेने लगी। तो ये सब लीला इसी कुंड के किनारे हुआ। कौन से कुंड? कृष्ण कुंड। और लाडली कुंड, यहाँ ललिता जी गुप्त रूप से राधा कृष्ण का मिलन कराते लाडली कुंड में। नारद कुंड वर प्राप्ति स्थल, नारद कुंड वर प्राप्ति स्थल मतलब दुर्वासा ऋषि यहाँ पे राधा रानी को वरदान दिया था कि तुम्हारे हाथ से जो खाएगा वो अजय अमर हो जाएगा, और वो असुर भूत पेच पिचास दानव दैत्य और देव असुर कोई उसको परास्त नहीं कर पाएगा जो तुम्हारे हाथ में। समझ में आया? राधा रानी के हाथ में जो खाएगा वो बलवान पहलवान तो होगा ही, और ऊपर से क्या होगा, अजर अमर हो जाए। ऐसा वरदान दुर्वासा जी ने दिया। तो हम लोग भी बीच बीच में जाके राधा रानी का रसोई खाए। हमारे सनातन गोस्वामी पाद, रूप गोस्वामी पाद राधा रानी के रसोई खाया नहीं खाया? क्या खाया? खीर नहीं खाया? राधा रानी खुद बना के दिया खीर नंदगांव में टेर कर। कथा तो सुनाया था, भूल जाता है बेकार आदमी। तो खीर खाया नहीं, समझा? इसलिए इन लोग क्या बहुत शक्ति है, नहीं समझा? असुर देव दानव सबको मार सकते हैं, धूल चटा सकते हैं, लीला वसता ये लोग कुछ कहते नहीं। तो ये सब लीला कहाँ हुआ? नारद कुंड। और गोचारण पथ, इसी पथ से कृष्ण गोचारण करके आते जाते थे,
और आते जाते समय टेढ़ी टेढ़ी नजरों से राधा राधा रानी को देख, राधा रानी भी देखती थी ऐसे, इसलिए गोचारण पथ। किशोरी कुंड या राधा कुंड गांव के पूर्व में किशोरी कुंड मंदिर और किशोरी कुंड है। कभी कभी कृष्ण यहाँ सखियों के साथ एवं श्रीमती राधा रानी के साथ कुंड में जल क्रीड़ा करते थे, जल विहार करते थे। अंगों में लगी हुई कुमकुम, केसर तथा अन्य अन्य अंगराग से सिंचित होकर के यह कुंड अभी भी इन माधुर्यमय लीलाओं का स्मरण कराता है। ये जो कुंड है अभी भी माधुर्यमय लीलाओं का स्मरण कराता है। तो ये सब लीला जो है, ये सब दर्शन जो है कहाँ है, जावट में है। जावट में सब दर्शनीय स्थान है, ठीक है। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृप